कांग्रेस सरकार प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर नहीं थी। ये शब्द WWE की कुश्ती में दुनिया भर में द ग्रेट खली के नाम से मशहूर दिलीप सिंह राणा ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि वह विभिन्न राज्यों में कुश्ती मुकाबले आयोजित करवाते हैं और उन राज्यों के लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि हिमाचल में ऐसे मुकाबले क्यों नहीं होते, जबकि आप खुद हिमाचल से हैं। खली का कहना है कि लोगों के इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके इस तरह के प्रस्ताव को पूर्व सरकार ने तरजीह ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में उन्हें इस तरह के आयोजन के प्रस्ताव को लेकर अलग अलग कार्यालयों में जाने को कहा जाता था। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार की मंशा खेलों के नाम पर उनसे कार्यालयों के चक्कर कटवाने तक ही सीमित थी। जब सरकार का रवैया ही सकारात्मक नहीं था तो उन्होंने भी इसके लिए प्रयास छोड़ दिए। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और सरकार ने उनके प्रस्ताव में रुचि दिखाई है। प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी इस प्रस्ताव की गंभीरता को समझते हुए इसे अमलीजामा पहनाने का आश्वासन दिया है। इसी से उत्साहित होकर वह सीएम को अपनी योजना का प्रस्ताव देने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि इस सरकार की ऊर्जा और सकारात्मक सोच को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि उनका प्रस्ताव सरकार स्वीकार करते हुए प्रदेश में खेलों को एक नया मुकाम देगी। देखिए, आज की कैबिनेट की बैठक की तो आपको आधिकारिक सभी को बताया जाएगा, लेकिन मुझे तो केवल मात्र आज एक विषय आपके ध्यान में लाना है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की प्रेरणा से हमने एक बात निश्चित की है कि आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स टूरिज्म बढ़े, उसके लिए हमने आज द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा को आए थे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के गए और दो दिन पहले हमारी उनसे एक बैठक भी थी और अब आगामी अप्रैल के आखिर में हम हिमाचल प्रदेश में दो बहुत बड़ी बड़ी WWF करवाने जा रहे हैं और जो अपने आप में पहली बार होगी और वो इतनी बड़ी होगी कि शायद भारत में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। द ग्रेट खली ने बताया कि उन्होंने सीएम को अपनी योजना से अवगत करवाया है और सीएम ने खेल मंत्री को इस पर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है। ये मुकाबले कब और कहां होंगे, इसका प्रारूप जल्द सामने आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों से होने वाली आय को वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे ताकि गरीबों की मदद हो सके। इसके अलावा प्रदेश में अन्य खेलों के उत्थान के लिए भी वह धन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आज मैं जो यहाँ पर आया हूँ, एक तो बधाई देने आया हूँ और दूसरा हम सोच रहे कि यहाँ पर हिमाचल पे क्यों नहीं रेसलिंग का एक कंपटीशन कराया जाए, और क्योंकि जो हमारे जो हिमाचल के जो स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है और अभी जो नई सरकार आई है और अपनी एक जो अंदर से फीलिंग है कि भी बहुत एनर्जी से है, मतलब कि भी कुछ अपने हिमाचल के लिए कुछ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के प्रति, और जो हमारे गोविंद भाई जी मनुष्य भी है और बहुत पुराने मतलब बाकब भी है और जिनके अंदर मैं जुनून देखता हूं, और तभी मैं एक प्रपोजल रख रहा हूं अपनी ओर से कि भाई मतलब हिमाचल पे कंपटीशन कराया जाए, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट में कराते हैं, जैसे उत्तराखंड में, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, तो बहुत सारे लोग ये मेरे से क्वेश्चन पूछते थे पर्सनली कि भी आप हिमाचल के हैं लेकिन हिमाचल में आप क्यों नहीं करा रहे। तो अब मैं डिटेल पे नहीं जाना चाहूंगा कि भी बहुत मतलब एक मेरे को लगता है कि वो स्पोर्ट्स मतलब उतना बूस्ट किया ही नहीं उन्होंने, स्पोर्ट्स प्रमोट किया ही नहीं। तो जो अभी है नई सरकार, नई कैबिनेट आई है, मैं बहुत सारे को बधाई देता हूं और मैं पूरा एक दिल से मतलब मेरी एक जैसे बोलते ना कि वाइब्रेशन हो रही है मतलब इस सरकार से कि हिमाचल पे जो स्पोर्ट्स है एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाएंगे। तो बस अभी तो फिलहाल इतना ही है और
इस बारे में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले द ग्रेट खली का प्रस्ताव बहुत अच्छा है। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने क्या किया इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कि यह सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खली की तरफ से प्रस्ताव मिला है जिस पर सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में 1 से 2 फ्री स्टॉल कुश्ती के मुकाबले आयोजित करके खेलों के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम जिन्होंने पूरे देश दुनिया में रोशन किया, ग्रेट खली हमारे बीच में है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हिमाचल सचमुच में जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है। हमें आगे बढ़ना है, काम करना है, और उस दृष्टि से एक प्रपोजल हमारे सामने ने रखा है। उस पर हम गंभीरता से विचार करके जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स के जो हमारे मंत्री हैं गोविंद ठाकुर जी, हमने इसमें बड़ा इनिशिएट किया है सारे विषय को लेकर के कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई भी जो है ग्रेट खली जी के माध्यम से कोई भी इवेंट अभी तक हुआ नहीं, जबकि पड़ोस के राज्य में चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे राजस्थान है, दूसरे सभी प्रांतों में जो है वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स किए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक नहीं हो पाया। तो इस बात की कमी महसूस कर रहे थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी एक अच्छा इवेंट, 1-2 इवेंट कोशिश करेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में हम करें और जिसमें पूरे देश दुनिया भर से जो रेसलर जो है वहां पर आए और प्रदर्शन करें, और उससे हमको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि भाई ये सारा काम जो है वो बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हो जाए।